नमस्ते फ्रेंड, टीए प्रोडक्शन में हम लोग का स्वागत है। मैं आपका दोस्त तनय दे और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्रैकिंग हाइकिंग शू। देख सकते हो मेरे पास आ चुका है ये शू और इसका कंपनी का नाम है वाइल्ड ट्रैक। वाइल्ड ट्रैक का मैंने पहले भी रिव्यू किया था, उतना खास रिव्यू हुआ नहीं, मतलब क्वालिटी उतना खास मुझे लगा नहीं, तो फिर से एक अलग सा मॉडल मैंने आज मंगवा लिया और देखेंगे इसका क्वालिटी कैसा है। इसका भी फ्लिपकार्ट पे काफ़ी ज़्यादा सेल है तो उसका भी रेटिंग काफ़ी हाई है, तो मुझे भी देखना था इसका क्वालिटी, ये पर्टिकुलर मॉडल का क्वालिटी कैसा है। तो चलिए बिना देरी करे बॉक्स को ओपन करते और देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद ही आप खरीदने जाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो ये बॉक्स, यह वाइल्ड क्राफ्ट का बॉक्स, तो वाइल्ड क्राफ्ट तो देख सकते हो यह वाइल्ड क्राफ्ट का ट्रैकिंग हाइकिंग शू। तो दूर से आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, तो आपको सामने से दिखाते हैं और पहन के भी मैं दिखाऊंगा उसका कंपोनेंट्स कैसा है, चेक करूंगा, उसके बाद ही मैं लेने के लिए बोलूंगा ये शू। चलिए एक बार सामने से आपको दिखा देते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। तो देख सकते हो यह है मेन शू वाइल्ड क्राफ्ट का, यहाँ पर वाइल्ड क्राफ्ट का पेंडिंग, यहाँ पर डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है। मैंने 10 नंबर मंगवाया है, ये ब्लू 10 देख सकते हो, यह लाइट एल ए मॉडल नंबर है, इसमें और कुछ है नहीं। तो एक बार डिजाइन देख लीजिए, डिजाइन ऐसे दिखेगा, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन और एक ग्रे कलर ब्लैक का सोल, डिजाइन अच्छा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वाइल्ड क्राफ्ट का ब्रांडिंग, यहाँ पर भी वाइल्ड क्राफ्ट का ब्रांडिंग, नीचे वाइल्ड क्राफ्ट का लोगो। और मुझे शू फर्स्ट टाइम वाइल्ड क्राफ्ट का काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मेमोरी फोम जैसा फील होगा आपको, नीचे अंदर अंदर काफ़ी सॉफ्ट है, तो अंदर देख सकते हो, अंदर से ही पहले शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सोल के अंदर ऐसा एक कुशन जैसा दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा नरम मतलब सॉफ्ट क्वालिटी है इसका, और अंदर काफ़ी सॉफ्ट है। और यहाँ पर फिनिशिंग देख सकते हो, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, सिंथेटिक लेदर जैसा फील होगा आपको, ओरिजिनल लेदर नहीं है इसमें, ये मैट फिनिश है, कोई ग्लॉसी फिनिश नहीं है। और यहाँ पर एयरमेस है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर भी वेंटिलेशन है, तो फिनिशिंग तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। सामने कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पीछे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। पिछले जो वीडियो मैंने किया था उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका सोल देख सकते हो, ट्रैकिंग शू है तो सोल का जो ग्रिप है, ग्रिप का पैटर्न देख सकते हो, पैटर्न काफ़ी अच्छा है, पैटर्न ब्लॉक वाला है और ये जो ब्लॉक वाला हिस्सा ये हार्ड मटेरियल से बनाया गया है, और ये जो ये वाला हिस्सा ये वाइट वाला, ये वाइट वाला थोड़ा मिडिल किस्म का सॉफ्टनेस किया गया है, जिसके कारण आपको ग्रिप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा शू। तो देख सकते हो यहाँ पर पैटर्न कैसे है, काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, जिसके कारण आपको ग्रिप अच्छा मिलेगा, देख सकते हो। ग्रिप तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर है, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और लेस भी काफ़ी अच्छा है, डिजाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए एक बार पहन के देख लेते हैं कॉम्पोनेंट्स कैसा है, उसके बाद फाइनल डिसीजन आपको दे देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, मैंने वाइल्ड क्राफ्ट का ट्रैकिंग शू पहन के रखा है पैर पे, और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कंफर्टेबल है, फिटिंग्स काफ़ी अच्छा है। इसके साथ आप
मतलब परफेक्ट फिटिंग से इसके साथ मोजा पहने हुए तो शायद दिक्कत आ सकता है, अदरवाइज ठीक ठाक है, काफ़ी फिटिंग्स अच्छा है। नॉर्मल मतलब मोजा पहन ना पहन के काफ़ी फिटिंग्स अच्छा है। अगर मोजा पहन के या इसे पहनोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो साइड से देख लीजिए, साइड से ऐसे दिखेगा और जींस के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है और अंदर काफ़ी सॉफ्ट है, देख सकते हो। एंकल लेंथ भी देख लीजिए, एंकल लेंथ ऐसे दिखेगा, तो चलिए फाइनल डिजाइन आपको दे देते हैं, लेने लायक है कि नहीं है। कंफर्टेबल तो है, तो चलिए फाइनल डिजाइन दे देते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों ने वाइल्ड कप का ये वाला सूट देखा ट्रैकिंग के लिए, तो पहले में जो मॉडल मैंने वाइल्ड कप का मंगवाया था उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बट इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आप 100% इसे ले सकते हो नॉर्मल ट्रैकिंग के लिए, और ये कोई वाटरप्रूफ शू नहीं है, तो इसे पहन के आप सोचिएगा मत ये वाटर में कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाटरप्रूफ वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, वाटर अंदर जाएगा ही जाएगा अगर इसे पहन के आप वाटर में जाते हो और बारिश वगैरह में जाते हो तो वाटर अंदर जाएगा, अदरवाइज काफ़ी कंफर्टेबल है। बट एक फिटिंग्स को लेके दिक्कत है, फिटिंग्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है अगर आप मोजा पहन के ना पहने हो तो। अगर मोजा पहन के पहनोगे तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएगा, बट उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, काफ़ी कंफर्टेबल है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है। इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है, आप 100% ले सकते हो, बहुत सारे कलर्स में मिलता है आपको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। और डिजाइन तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये हाई एंकल वाला नहीं है, नॉर्मल सा ही है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है। तो यही था, और कोई कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर दे दूँगा। अगर आपका रेगुलर साइज 10 नंबर है तो 10 नंबर ही आप खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो रेगुलर साइज है वो रेगुलर साइज इसमें प्रोवाइड कर रहा है, तो रेगुलर साइज ही आप मंगवाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। कुछ यही है और कुछ इसमें है नहीं, तो यहीं पर ही वीडियो को समाप्त करते हैं, और मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाते रहता हूँ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद जय भारत।